इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। विचार कितने ही उत्तम क्यों न हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। अर्थात अपने विचारों को, अपने सद्विचारों को व्यवहार में अवश्य लाएं। आज की तारीख 7 अक्टूबर 2022, आज का वार शुक्रवार। आज अश्विन माह का 27वां दिवस है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 7:26 सुबह तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि 5:24 अगले दिन सुबह तक रहने वाली है। आज के सूर्योदय का समय है 6:17 सुबह। सूर्यास्त का समय 6 शाम को रहेगा। आज चंद्रोदय का समय है 4:46 शाम को। आज चंद्रास्त का समय है 4:28 अगले दिन सुबह को। आज चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है और आज सूर्य कन्या राशि में। आज का सूर्य नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। आज चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में 6:17 शाम तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। आज का पहला कर्ण बालव 7:26 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण कोलव 6:23 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद तैतेल कर्ण प्रारंभ हो जाएगा और 5:24 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, बालव कर्ण यह एक प्रकार का सामान्य फल प्रदान करने वाला चार समय माना गया है। कोलव यह एक प्रकार का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला शुभ समय है, जबकि तैतिल यह एक प्रकार का अशुभ फल प्रदान करने वाला समय है। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 7 को प्रदोष व्रत, 9 को अश्विनी पूर्णिमा, अन्वाधान, कोजागर पूजा और शरद पूर्णिमा होगी। आज का योग गंड 11:31 रात्रि तक रहने वाला है। इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। जिन लोगों की चंद्र राशि मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, उन लोगों को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल की दिशा में यात्रा न करें। यदि आवश्यक हो यात्रा करना और जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उसी दिन वापस आना हो तो दिशाशूल का विचार ना करें। इसके लिए निवारण वस्तु रहेगी दही, शक्कर, जौ और राई। आइए जानते हैं गंड योग के बारे में। इस योग में किए गए हर कार्य में अड़चने ही पैदा होंगी और वह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, ना ही कोई मामला कभी हल होने वाला है, बल्कि मामला उलझता ही चला जाएगा। इस योग में किया गया कार्य इस तरह से उलझता है कि व्यक्ति सुलझाते सुलझाते थक जाता है, लेकिन मसला हल नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गंड योग को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। आप गंड योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप बहुत बातें करने वाले बातूनी व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन में कई कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। आप आलिशान संपत्ति के अधिग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:45 सुबह से 12:32 दोपहर तक रहेगा। जब आपको कोई भी मुहूर्त ना मिल रहा हो नए कार्य के लिए, तब अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करें। आज का विजय मुहूर्त का समय रहेगा 2:06 दोपहर से 2:53 दोपहर तक। सरकारी कामों में विजय प्राप्त करने के लिए विजय मुहूर्त का प्रयोग करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं परमात्मा से, अध्यात्म से, तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें।
आज के ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:38 सुबह से 5:27 सुबह तक। आज का अशुभ समय आज का राहुकाल 10:40 सुबह से 12:08 दोपहर तक रहने वाला है। यमगण काल का समय 3:04 दोपहर बाद से 4:32 तक रहेगा। राहुकाल और यमगण काल के दौरान किसी भी प्रकार का नया शुभ कार्य मांगलिक कार्य शुरू ना करें, अन्यथा कोई विघ्न आ सकता है। आज के कुछ अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 11:31 सुबह से 1:01 दोपहर तक रहेगा। आज रवि योग का समय 6:17 शाम से 6:17 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। किसी नए कार्य का प्रारंभ दिन का चौघड़िया देख करके करें। आज के दिन के चौघड़िये में चर समय रहेगा 6:16 सुबह से 7:45 सुबह तक। लाभ समय 7:45 सुबह से 9:12 तक रहने वाला है। अमृत समय 9:12 सुबह से 10:40 तक रहेगा। शुभ समय 12:10 दोपहर से 1:37 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 4:34 शाम से 6:01 शाम तक चर समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िये में लाभ समय रहेगा 9:04 शाम से 10:36 रात्रि तक। शुभ समय 12:09 मध्य रात्रि से 1:41 तक रहने वाला है। अमृत समय 1:41 अगले दिन सुबह से 3:13 तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 3:13 अगले दिन सुबह से 4:45 तक रहेगा। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।